सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट बताने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर। ये जो नोटिस है इसे रिलीज़ किया गया है मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि बोधगया में है। अभी यहाँ पे लिखा गया है कि सेवा में सभी केंद्राधीशक सह प्रधानाचार्य महोदय स्नातक BA BSc BCom प्रथम खंड परीक्षा 2020 मगध विश्वविद्यालय बोधगया। यहाँ पे जो टाइटल है यानी कि जो विषय है ये है कि दिनांक 4 अक्टूबर 2021 की होने वाली परीक्षा के संबंध में ये सूचना है, यानी कि आज की तारीख में ये नोटिस रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 अक्टूबर को जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में ये अपडेट है। तो यहाँ पे लिखा गया है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि स्नातक BA BSc BCom प्रथम खंड परीक्षा 2020 की परीक्षा जो दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को आपके महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र पर दोनों पाली में आयोजित होने वाली थी, यानी कि दोनों शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होने वाला था 4 अक्टूबर 2021 को, किसी कारण से जो है ये जो आपका एग्जामिनेशन है अब कंडक्ट होगा 23 नवंबर 2021 को अपने पूर्व निर्धारित समय एवं पाली में आयोजित किया जाएगा। जो परीक्षा आपका 4 तारीख को होने वाला था यानी कि 4 अक्टूबर को होने वाला था, अब वो कब होगा तो 23 नवंबर को आपका कंडक्ट होगा। ठीक है, आपसे ये अनुरोध किया जाता है कि इसकी जो सूचना है अपने माध्यम से सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र पर देने की कृपा करें। ठीक है, तो आप लोगों का जो एग्जामिनेशन जो है अब आपका होगा 23 नवंबर को। तो डेट याद रखिएगा, 4 तारीख को एग्जामिनेशन देने के लिए आपको नहीं जाना है दोनों शिफ्ट में, अब आपको जाना है 23 नवंबर को एग्ज़ाम देने के लिए, कौन सा जो भी 4 तारीख को होने वाला था। ये जो अपडेट है इसे रिलीज़ किया गया है मगध विश्वविद्यालय बोधगया के द्वारा 1 अक्टूबर को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।